The Congress ejected from the contest for the Indore seat after its candidate joined the BJP is appealing to voters to press the none of the above or nota option. The move has been slammed by the BJP, which has termed it a negative tactic. इस प्रकार के राष्ट्रीय दल को अपील करना शोभा नहीं देता। प्रजातंत्र में जनता को पूरा अधिकार है कि उम्मीदवार को वोट दे, और कांग्रेस इस प्रकार से नकारात्मक जो प्रचार कर रही है वो दुखद है, निंदनीय है। तो उसके पीछे क्या कारण है जो इस तरह से कांग्रेस की बुखलाहट है, इसलिए वो कारण है। खोटे लोग कह रहे हैं नोटा दबाओ, खुद लोकतंत्र के जो उत्सव है उसके आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। अपना उम्मीदवार, डमी उम्मीदवार वो खुद नहीं बना पा रहे हैं और दोष दे रहे हैं जनता को, पार्टी को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपना उम्मीदवार भी नहीं संभाला जा रहा है, डमी भी नहीं ले पा रहे। तो ऐसे खोटे लोगों को के लिए नोटा यदि वो होते तो नोटा उनके खिलाफ होता। Akshay Kanti Bam, who had been pitted against sitting BJP MP Shankar Lalwani, shocked the grand old party on Monday, the last day for withdrawal of nomination, by pulling out of the race and switching over to the Saffron party. पहली बार इंदौर के इतिहास में ऐसा होगा कि एक नेशनल पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है उसका नुमाइंदा चुनाव में नहीं है, उसका नामांकन वापस जोर जबरदस्ती कर अपहरण कर वापस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराया। इससे कलंकित और कुछ नहीं हो सकता। जनता का हक जब छिनता है तो जनता जागती है, और इंदौर की जनता जागृत है, और इस बार इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, नोटा का ऑप्शन लेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की जनता को दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की सुनामी जो इस देश को बहा ले जाना चाह रही है, जो इस देश को तबाही की कगार पर ले जाना चाह रही है, इस देश से संविधान छीनने का काम करने जा रही है, जो इस देश से मिले आरक्षण पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को मिले उनके अधिकारों को, उनके मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करने जा रही है, उसके खिलाफ लामबंद होकर इंदौर शहर का हर एक कांग्रेस परिवार और कांग्रेस का कार्यकर्ता नोटा के बटन को दबाएगा, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जिस तरह लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है इसका जवाब देगा। The Indore constituency in Madhya Pradesh will go to the polls on May 13th in the fourth phase of the general elections. The BJP has been on a winning streak in MP's commercial capital for the last 35 years. अभी प्रत्यक्षी कोई कांग्रेस का है नहीं, बट अगर होता तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि अगर अपन देखें तो इंदौर की अभी हवाई ऐसी है कि बीजेपी ही आने वाली थी, तो अगर आप इवन नोटा को प्रमोट भी करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगी एट द एंड रिजल्ट वही रहेगा। पहले भी बीजेपी आने वाली थी, अभी भी बीजेपी ही आएगी। ठीक हादसा नहीं है साहब, जो कांग्रेस का उम्मीदवार नाम वापस लेके हट गया, कुछ नहीं साहब, आह्वान करने से कुछ नहीं है, लोग जहाँ पे देना होगा वो देंगे सब। भारतीय जनता पार्टी के जीत मेरे ख्याल 10 लाख मतों से होगी। हम कांग्रेस के कहने से कोई नहीं चलता, जनता अपने मन से चलती है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। और बीजेपी यहाँ सन 89 से जीतती आ रही है, वो तो पिछली बार जो रिकॉर्ड 5.5 लाख का था ना, वो तकरीबन इस बार 15 लाख से करीब जाएगा। ये The Congress's call to voters to choose Nota is not resonating much with locals here. नोटा तो मुझे लगता है कि एक वेस्ट ऑफ एफर्ट्स होता है। आप किसी को चुनना चाहते हो लेकिन आप नोटा को दबाते हो, उससे आपकी जो व्यूज़ हैं, मतलब आप जिस लीडर को देखना चाहते हो उससे कोई होता नहीं है, तो एक वेस्ट ऑफ एफर्ट और वोट हो जाता है। किसी महत्वपूर्ण पार्टी के उम्मीदवार को चला जाना मतदान के प्रतिशत के लिए घातक है, फिर भी इंदौर शहर का जो इंदौर शहर की जो जनता है उसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ये तो अब मतदान के बाद ही मालूम होगा कि रुझान नाटो की तरफ है या नहीं है। After the withdrawal of nominations, 14 candidates, including 9 independents, are left in the fray in Indore. The option for Nota allows voters to express disapproval for all the candidates in the fray. However, even if Nota has the most number of votes, it automatically allows the candidate with the second most number of votes to win. For this reason, some argue that Nota has no real value in the Indian electoral system. On the other hand, Nota votes are considered important to the result since they subtract votes from political parties, which can change the margins of victory.